एसएसपी की अध्यक्षता में सोमवार को जनपद के सभी थानों पर तैनात मुहर्रिर व हेड मुहर्रिर मुंशी एवं शाखा प्रभारियों की बैठक पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अपराध की समीक्षा करते हुए अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए, जिसमें जमानत पर छूटे अपराधियों, बदमाशों तथा हिस्ट्री शीटरों की सूची तैयार करने, लूट की घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें, थाना स्तर पर नियुक्त एंटी रोमियो टीम को चयनित कॉलेज भीड़भाड़ क्षेत्र में गश्त लगाकर समुचित कार्रवाई करने, थाना स्तर पर डिजिटल वॉलंटियर व थाना क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों व पत्रकार बंधु व व्यापारी बंधुओं से अच्छा व्यवहार रखने एवं पुलिसिंग में सहयोग करने सहित अन्य निर्देश दिए। बैठक के संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, एसी एसी वाला भी दे दीजिए, 2016 वाला कागज दे दीजिए। समय समय पर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए आज जो है उसी क्रम में आज सभी थानों के मुंशियों की मीटिंग की गई। जो थाने पर आप देखते हैं कि थानेदार अक्सर बेस्तर बाहर रहता है, कहीं कोई वारदात हो रही, कुछ काम हो रहा है, नाका लगा रहा है, पकड़ने जा रहा है, तो थाने लेवल पर जो पब्लिक डीलिंग है वो मैक्सिमम मुंशियों के द्वारा और जो ऑफिस है मुंशियात है उसके द्वारा होती, उनको सेंसिटाइज करने के लिए जो शासन की प्राथमिकताएँ हैं सरकार की और डिपार्टमेंट के लिए उसको बताने के लिए और उनमें और ज़्यादा योग्यता आ जाए कुछ उनको समझाने के लिए आज मीटिंग रखी गई थी और उनको उनके कार्यवृत्त दिए गए हैं किस पर उस पर जोर देना है। महिला संबंधी अपराध हो गए, बुजुर्गों के साथ संवेदनशील व्यवहार हो गया, पत्रकारों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और इस तरह की जो पब्लिक डीलिंग में समस्याएं आ रही थी उन पर चर्चा करके उनको दिशा निर्देश सख्त दिए गए हैं कि किसी थाने से, किसी थाने के ऑफिस से कोई शिकायत आती है तो ये जो वहाँ का बड़ा मुंशी है, हेड मुंशी है, उसकी जिम्मेदारी मानी जाएगी और इसी वजह से जो वैकेंसी है, बाकी वहाँ का रख रखाव है, मुलजिमों की हवालात है, लंगर समस्या है, सबके बारे में विस्तृत से चर्चा की गई और सभी मुंशियों को बैठा करके उनको समझाया गया और उनके उत्तरदायित्व फिक्स किए गए हैं। इससे मुझे उम्मीद है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में और सुधार आएगा।